कंपेन सौ बाबर, हम वहां पढ़ाते भी हैं बाबर इन्वेडिंग इंडिया इन 1526। उसके बाद उसके तीन बैटल्स का जिक्र भुगते हैं जबकि उसने चार किए, वही तीन हम कैसे पढ़ाएंगे। इस टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द कंपेन्स ऑफ पावर इन इंडिया, इट इज माई ऑब्जेक्टिव। जब मैं असेसमेंट उसके बाद लिखूंगा, पहला क्वेश्चन मेरा होगा फ्रॉम वेयर बाबर केम, बाबर कहां से आया। सेकेंड होगा बाबर डिफीटेड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डैश। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होगा द बैटल ऑफ खनवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड डैश इन डैश, उसमें दो डैश डाल दूंगा। फिर होगा द हू फॉट बैटल ऑफ चंदेरी विथ बाबर। फिर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट द कंपेन्स ऑफ बाबर इन इंडिया, ये मेरा असेसमेंट होगा। आप देखना एट द एंड सबको ये याद होंगे कि नहीं। अब ओपनिंग जो होगी, ओपनिंग में पहले क्लासरूम कल्चर डेवलप होना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए कुछ अट्रैक्टिव है ताकि वो सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ देखें। जब आप ऐसा कुछ करोगे खुद ही अट्रैक्शन आएगी, आपको लगता है आएगी, क्योंकि आप इन्हीं बच्चों में से किसी का नाम मदनी राय है, किसी का नाम राणा संगा है, किसी का इब्राहिम लोदी है। सो आप ओपनिंग देखना। हेलो चिल्ड्रेन, आप बोलिए आंसर, हाउ आर यू। आपको पता है क्या है, बोलिए पता है क्या है, डू यू वॉन्ट टू नो। हाँ लेट्स स्टार्ट। यहाँ जो आप देख रहे हो ये बादशाह, इसका नाम क्या है, ज़हीरुद्दीन बाबर। क्या है इसका नाम, ये कहाँ से कहाँ है, फरगना में, कहाँ है फरगना में। उसके बाद जो यहाँ पानीपत में आपको यहाँ का रूलर दिख रहा है कौन है, इब्राहिम लोदी, कहाँ का रूलर है पानीपत का। उसके बाद ये रूलर जो है इसका नाम क्या दिख रहा है, राजा संगा, ये कहाँ है, खनवा में, कहाँ, ये मेवाड़ में है खनवा में। फिर बैटल उसकी भी, एंड दिस एक जो दिख रहा है मदनी राय चंदेरी में ये है। अब आप देखना बाबर कैसे इनको एक एक करके हराता है। सो बाबर के विथ हिज मास्टर गनर्स फ्रॉम फरगना एंड फर्स्ट ही मेट, इसके साथ इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आप देखना जब मैं कौन हार गया। सो इस तरह से इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर की, बाबर का कब्जा कहाँ हुआ, पानीपत में। उसके बाद ये देखो ये डेट इसका था 1526। उसके बाद नेक्स्ट बाबर 1527 में किसके साथ लड़ाई करेगा। आ जाओ धीरे धीरे। हाँ तो सेकेंड बैटल ऑफ, सॉरी बैटल ऑफ खनवा वॉज वन बाय बाबर, बैटल ऑफ पानीपत वॉज वन बाय बाबर। उसके बाद नेक्स्ट ये कौन किसके साथ है, मदनी राय के साथ बैटल ऑफ चंदेरी। तो तीनों जंगे किसने जीती, ये था आई डू। अब हम वी डू में जाएंगे, वी डू में हम क्या कर लेंगे, ये बच्चे खुद फिर से यही करेंगे। आ जाओ बेटा वापस आ जाते हैं। अब टीचर का रोल क्या रहेगा, ही विल जस्ट हेल्प द स्टूडेंट। हाँ बेटा पहले आप कहाँ जाओगे, आप बोलिए इसको कहाँ जाना है, पहले पानीपत में जाइए, पानीपत में इसके साथ बैटल कर रहा है। ईयर कौन है 1526, किसने बैटल जीती, बाबर ने। उसके बाद नेक्स्ट विजय किसके साथ हुई, राणा संगा, कब 1527। आप देखना कौन जीत गया, बाबर।
नेक्स्ट अपनी राय के साथ किसने जीता? ये हमारा वीडियो हो गया। अब यूट्यूब में हम क्या कर लेंगे, आप पैसे एक एक करके जिस टीचर का नाम आएगा वो आगे आके बोलेगा कौन कौन सी जंग किसने की। आप पीछे जाओ। हाँ सर आइए, आप बोलिए कहाँ कौन सी जंग बाबर जी। आइए पहले वो यहाँ पानीपत पे आ गया और यहाँ 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया। एक साल बाद 1527 में यहाँ बैटल ऑफ खनवा किसके खिलाफ हुई, राणा संगा, दैट वाज वन बाई। और उसके बाद 1528 में बाबर ने यहाँ मदनी राय को बैटल ऑफ चंदेरी में हराया। इस तरह से ये सारा इलाका किसके कब्जे में आया। अब दूसरा टीचर आएगा, जैसे मैंने बोला ऐसे। आजा आजा कोई सर। सर ये डेफिनेटली एड भी करेगा। बोलिए ही बोल। बाबर ने जब हमला किया पहले तो वो पानीपत में, पानीपत में जो उसका अपोनेंट था तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, लोदी डायनेस्टी का लॉस्ट रूलर जो था। 1926 में क्या होता है, 1526 में क्या होता है, सॉरी 1526 में क्या होता है, तो वो उसके साथ ड्यूअल में आ जाता है, फाइट कर देता है, तो उसको मार देता है। इस तरह वो पूरी टेरिटरी को हासिल कर लेता है पानीपत। तो इसके बाद 1527 में यहाँ पहुंच जाता है मेवाड़ में, खनवा में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो राणा संगा को मार देता है, तो इसकी जो टेरिटरी है उसको भी हासिल कर लेता है, उसको अच्छी तरह से ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद 1528 में वो यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे मदनी राय को हरा कर वो चंदेरी, इसको चंदेरी की जंग बोलते हैं, तो वॉर ऑफ चंदेरी यहाँ पे जीत लेता है, ठीक है। आपको हो गया है ना, पता चल गया है ना। अब इसका जो लेसन प्लान है आप देखना, हम अभी अंदर जाके बोर्ड पे लिखेंगे, खाली 7 मिनट में लेसन प्लान कंप्लीट होना चाहिए। आप आइए सर।